नॉवेल नंबरदार का नीला, मुसन्निफ सैयद मोहम्मद अशरफ। बस इस हेडमास्टर के बच्चे के ख्यालात और मालूम हो जाएं। उन्होंने अमराई के पास कमर झुके शिकस्ता स्कूल मास्टर को देखकर सोचा। हेडमास्टर से उनके ताल्लुकात अजीब नौयत के थे। जिला कलेक्टर और शहर के पढ़े लिखों को दिखाने के लिए गांव में स्कूल होना जरूरी था, इसलिए स्कूल था। स्कूल का खर्चा ग्राम पंचायत उठाती थी, जिसमें सारी बात नंबरदार की चलती थी, लेकिन हेडमास्टर नंबरदार उदल सिंह की जा बेजा खुशामद नहीं करता था। जाहिर है कि यह हरकत एक माकूल हरकत नहीं कही जा सकती। नंबरदार को देहात के बच्चों की तालीम बहुत अखड़ती थी। उन्हें मालूम था कि वो सारे लौंडे जिन्होंने इस स्कूल में तालीम पाई थी, इनसे इतने खुश नहीं रहते थे जितने वो लौंडे जिन्होंने तालीम नहीं पाई थी। उन्होंने खुफिया तरीके से इस बात की भी टोह लगाई थी कि कहीं यह हेडमास्टर बच्चों को तालीम देने के बहाने नंबरदार की बुराइयां तो नहीं करता। इस जासूसी के नतीजे में उन्हें बराहे रास्त मजबत जवाब नहीं मिला। अलबत्ता टोह लेने वालों ने नंबरदार को ये जरूर बताया था कि आजकल स्कूल की जो किताबें छपती हैं उनमें खामखा ऐसी बातें होती हैं जिन्हें पढ़कर लौंडों को नंबरदार का ख्याल आ जाता होगा। मसलन महाभारत का वो हिस्सा किताब में होना क्या जरूरी है जिसमें कंस का जिक्र बहुत नफरत से किया गया है। इस तरह रामायण का पाठ रावण के जिक्र के बगैर भी हो सकता है। उन्होंने तारीख की किताबों पर भी मुदल्लिल एतराजात किए और कहा कि हेडमास्टर जानबूझकर वो हिस्से बहुत तफसील से दांत पीस पीस कर पढ़ाता है जिन हिस्सों में हिटलर और मैसोलिनी वगैरह का जिक्र आता है। इन लोगों की नज़रों से माशियात की किताबों के वो मखदूश हिस्से भी नहीं बच सके जिन्हें पढ़कर लौंडे खुद को सबके बराबर समझने लगे हैं। अदब के वो हिस्से भी मुनासिब नहीं थे जिनमें गरीबी से नफरत और इंकलाब की ज़रूरत वगैरह पर जोर दिया गया था। नंबरदार ने निसाब से मुतालिक इस्लाहात की ये तजवीज़ें हेडमास्टर के सामने रखी थी। हेडमास्टर हैरान रह गया था, फिर हंसने लगा था। उसकी हैरानी तो किसी हद तक उदल सिंह की समझ में आई थी, मगर हंसी उन्होंने बदतमीजी पर महमूल की थी। आप जानते हैं कि आप इस स्कूल में किसकी वजह से हेडमास्टर हैं? मेरी वजह से, समझे? हेडमास्टर ने धीमी धीमी आवाज में बताया। अव्वल तो ये कि मैं हेडमास्टर नहीं, सिर्फ मास्टर हूँ, क्योंकि मेरे अलावा स्कूल में कोई मास्टर नहीं। दूसरे ये कि मैं बच्चों को तालीम देता हूँ और इसके बदले में ग्राम पंचायत मुझे महीने महीने या कभी तीन तीन महीने बाद तनख्वाह देती है। तीसरे ये कि इतनी कम तनख्वाह में तीन मास्टरों का काम इस देहात में मेरे सिवा कौन करेगा? नंबरदार को सच्चाई के बराह रास्त और बेतकल्लुफ इजहार से बड़ी उलझन होती थी। अगर मैं ग्राम पंचायत से कहलवा कर आपको निकलवा दूं तो कहने के लिए जितना मुंह खोलना ज़रूरी होता है उन्होंने इससे ज़्यादा खोला और देर तक खुले रखा, तो ये होगा कि गांव में आपकी थूथू होगी, और जब ये बात कस्बे तक पहुंचेगी तो अगले इलेक्शन में आपके खिलाफ ये भी एक नुक्ता इस्तेमाल किया जाएगा। नंबरदार ने अपना बड़ा सा खुला हुआ मुँह जल्दी से बंद कर लिया, क्योंकि नंबरदार उदल सिंह की अकल यहाँ तक नहीं गई थी। वो हेडमास्टर की इस इतला से नर्वस हो गए। ताहम उन्होंने पैंतरा बदल कर कहा, मैंने तो हेडमास्टर साहब आपकी गहराई जानने के लिए इतनी बातें की। आपका रहना और यहाँ रहकर बच्चों को तालीम देना गांव की शोभा बढ़ाता है, बल्कि आप मुझे कहने दीजिए कि ये गाँव आपके और आपके स्कूल के बगैर अधूरा अधूरा लगता है। अब आप जा सकते हैं। हेडमास्टर अपनी चिरखचूंग साइकिल पर बैठकर स्कूल की तरफ बढ़ गया। उन्हें मास्टर का एक जुमला और याद आया, जंगली जानवर को गुड़ बादाम खिलाकर और सरसों का तेल पिलाकर नंबरदार ने उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है, ये प्रकृति के खिलाफ है।
आज वो उसी हेडमास्टर के पास उसी नीले के बारे में उसकी ताज़ा राय जानने के लिए निकले थे। हेडमास्टर स्कूल में बैठा बच्चों को सबक पढ़ा रहा था। नंबरदार एक याद से बहुत बचते थे, याद आते ही खुद को इधर उधर बहका लेते थे, मगर आज उन्हें इस हेडमास्टर साहब से वो अजीबोगरीब पुरअसरार मुलाकात फिर याद आई। ये जब की बात है जब बड़की की इज्जत लूटी गई थी। इस पुरअसरार मुलाकात से कुछ दिन पहले कुम्हार की बेवा और बड़की और छुटकी ने स्कूल की छुट्टी के बाद स्कूल के बाहर नीम के दरख्त के नीचे मास्टर साहब का इंतज़ार किया था। जब वो स्कूल बंद करके वहाँ से गुजरे तो कुम्हारन ने उनके पाँव पकड़कर रो रो कर कहा था कि नंबरदार का नीला रोज़ाना उनकी मेहनत से बनाए हुए बर्तन तोड़ देता है। वो आज शिकायत लेकर ठाकुर के पास गईं तो ठाकुर ने हंसकर उनसे कहा कि बर्तन तोड़ता है, मिट्टी तो नहीं खा जाता। मिट्टी फिर से गूंद गांद कर बर्तन बना लिया करो, इसमें इतनी परेशानी की कौन सी बात है जो मुझे कलयुग के वक्त परेशान कर रही हो। हेडमास्टर ने इन तीनों को ढारस दी और घड़ी में जाकर नंबरदार को समझाया। नंबरदार ने तो हंस कर टाल दिया, मगर ओंकार का चेहरा सुर्ख हो गया जो वहीं खड़ा सब कुछ सुन रहा था। घड़ी के दरवाजे पर तीनों औरतें खड़ी मास्टर का इंतजार कर रही थीं। जब मास्टर बड़े दरवाजे से निकल रहा था तो उसने ओंकार को गुस्से की हालत में कुम्हारन और उसकी बेटियों से बात करते देखा। वो उन तीनों को नंगी नंगी गालियां दे रहा था जिन्हें आज इतनी हिम्मत हो गई कि वो पंचायती स्कूल के मास्टर को उनके बाप के पास नीले की शिकायत लेकर भेजें। मास्टर को आता देखकर उसने निस्बतन शाइस्ता लहजे में उन दोनों लौंडियों को कपड़े उतारने वाली नजरों से देखकर कहा था, ऊपर वाले का शुक्र करो कि अभी नीले ही ने बर्तन तोड़े हैं, मैंने तो अभी बर्तनों को हाथ भी नहीं लगाया। वो जाहिल औरतें क्या समझती, मगर मास्टर का माथा ठनक गया, वो वहीं का वहीं खड़ा रह गया। जब बड़की का झोंपड़े वाला वाकया हो गया तो एक रात ठाकुर जीप में सवार गांव की घड़ी तक आए और उतर कर थके थके कदमों से घड़ी के दरवाजे पर पहुंचे तो धुंधलके में उन्हें एक शख्स रजाई ओढ़े खड़ा दिखाई दिया। वो आदमी धीमे धीमे रो रहा था। उन्हें उस पुरअसरार शख्स से डर महसूस हुआ। वो पहरेदारों को आवाज देने ही वाले थे कि उस शख्स ने रजाई से मुंह निकाल लिया। उसकी बूढ़ी आंखें सुर्ख और गीली थीं। उसने रुंधी रुंधी आवाज में ठाकुर से कहा, नंबरदार जी, बड़की की इज्जत मालूम है किसने? किसने? ठाकुर ने मरी मरी आवाज में पूछा। उन्हें इस सवाल के जवाब और हेडमास्टर के इस पुरअसरार रूप से डर लग रहा था। उसने उधर देखो, ठाकुर ने उसकी उंगली के इशारे पर नजरें दौड़ाई। सामने अंधेरे में नीला खड़ा था। हेडमास्टर उन्हें हैरान देखकर हंसा, फिर अंधेरी गली में गायब हो गया। ठाकुर ने जल्दी से ये याद अपने जहन से झटकी। नंबरदार और उनके साथ वालों को देखकर मास्टर ने जल्दी जल्दी सबक खत्म कराया और सीढ़ियां उतरकर नीचे आया और सलाम करके खामोश खड़ा हो गया। फिर बोला, मेरा दिल चाहता है कि आप मेरे साथ सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चलकर बैठें। नंबरदार को इस मामूली गुजारिश में एक तरह की अलामती किस्म की गुस्ताखी नजर आई। नहीं नहीं हेडमास्टर साहब, बस बहुत दिन से आपको देखा नहीं था, सोचा आपसे सलाम दुआ कर लें। हम लोग इधर नीले को तलाश कर रहे हैं, आपने तो नहीं देखा। नंबरदार ने मास्टर का चेहरा गहरी निगाहों से कुरेदा और अपने जहन की दाद दी। उन्होंने समझ लिया हेडमास्टर के सीढ़ियां चढ़ाकर ऊपर ले जाने वाले जुमले का मतलब है कि नंबरदार भी उसकी शागिर्दी इख्तियार करके इल्म की बुलंदियां चढ़कर उसकी ऊंचाई तक पहुंच जाए। उन्होंने एक बार फिर अपनी अकल को दाद दी और एक बार फिर हेडमास्टर का चेहरा अपनी नजरों से कुरेदा, क्योंकि हेडमास्टर के चेहरे पर शेव बड़ा हुआ था इसलिए वो इसे अपनी नजरों की मदद से ज्यादा नहीं कुरेद पाए। नहीं, इधर तो नहीं देखा, लेकिन मैंने आपको पहले ही समझाया था कि ऐसा वैशी जानवर अगर पालना ही जरूरी है
तो वही खान पान दें जो उसे जंगल में मिलता है, और उसे इंसानों की सोहबत से दूर रखें, वरना उसका वो फितरी डर ख़त्म हो जाता है जो हर जानवर को इंसान से महसूस होता है। नंबरदार को अंदाज़ा हो गया कि हेडमास्टर की नीले के बारे में ताज़ा राय क्या है। हेडमास्टर की ताज़ा राय इसकी बासी राय से कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं थी। नंबरदार ने उसे इल्म के वार से घायल करना मुनासिब समझा। हेडमास्टर साहब, मेरे बहुत से दोस्त हैं आसाम से लेकर गुजरात और हमाला से लेकर तमिलनाडु तक। आसाम वाले ने काजीरंगा से एक नीला पकड़कर पाला, गुजरात वाले ने गीर के जंगल से नीला लाकर अपने साथ रखा, तराई वाले दोस्त ने ददुआ के जंगल से नीला हासिल किया, और तमिलनाडु वाले ने बांदीपुर के जंगल से पकड़कर अपना पालतू बनाया। मगर आपको मेरे ही नीले में सारी बुराइयां नजर आती हैं। नंबरदार, आप सच सच बताना, क्या आपके दोस्तों ने जो नीले पाले वो बड़े होकर कीमती गिजाएं खाकर जंगल में दौड़ने की मेहनत उठाए बगैर चारा खाकर मस्त नहीं हुए? क्या बर्बादी नहीं मचाई? नंबरदार ने इस बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा। वो खुद अपने नीले में इतनी बुरी तरह उलझे रहते थे कि उन्हें अपने दोस्तों के नीलों का ज़्यादा ध्यान ही नहीं आता था। उन्होंने बात बदलने की खातिर पूछा, अच्छा तो मास्टर साहब, आप ही बताओ अब क्या किया जाए? पहले तो आप नीला ढूंढिए, वो जहाँ भी जाएगा आफत मचाएगा, उसकी आदतें ख़राब हो चुकी हैं। उसे ढूंढकर अपने पास बांध कर रखिए और आहिस्ता आहिस्ता उसकी बुरी आदतें छुड़ाइए, उसकी ग़िज़ा बदलिए, उसे फिर से उसकी फितरी ग़िज़ा पर लाइए। हालांकि इसमें परेशानी होगी, मगर ये तो अब करना ही पड़ेगा। जब वो अपनी ग़िज़ा का आदी हो जाए तो उसे मैदानों में छोड़ाइए। इस बीच उसकी चर्बी भी कुछ कम हो चुकी होगी, और चर्बी कम होने से वो मैदान में दौड़ने में तकलीफ महसूस नहीं करेगा। मैदानों में भाग दौड़ करके जब उसे अपनी जंगल की ग़िज़ा मिलेगी और उसे अपने साथी मिलेंगे और मादाएं मिलेंगी, तो उसका जुनून ख़त्म हो जाएगा और वो अपनी फितरी ज़िंदगी का आदी हो जाएगा। लेकिन मेरी घड़ी और हवेली का क्या होगा? ठाकुर के मुँह से निकल पड़ा। इसका क्या मतलब? ठाकुर को अंदाज़ा हो गया कि उनके मुंह से हिमाकत की बात निकल गई, यानी सही बात निकल गई। फौरन पहलू बदल कर बोले, मतलब घड़ी और हवेली में उसे देखने की आदत पड़ गई है, वो नज़र नहीं आएगा तो कितना बुरा लगेगा। नंबरदार जी, घड़ी और हवेली में अपने बेटे और बहू और पोते पोती और गांव वालों और कस्बे वालों को देख देख कर खुश हुआ कीजिए, और इन्हीं में अपनी तफरी का सामान पैदा कीजिए। इन्हीं में आपकी ज़िंदगी है और इन्हीं से आपकी ज़िंदगी है। भगवान के लिए अब अपना शौक़ ख़त्म कीजिए। आपका ये शौक़ इस जानवर को भी भारी पड़ रहा है, गांव और कस्बे वालों को भी। घड़ी और हवेली में भी बर्बादी मची हुई है। आज जाकर आप मन लगाकर सोचिए कि क्या कारण है जिसकी वजह से आपको नीले की चाह है। जब वो कारण समझ में आ जाए तो इस कारण की जड़ काट कर फेंक दीजिए। नंबरदार उदल सिंह वापस आए तो बज़ाहिर वो अपने साथ वालों से हेडमास्टर की हिमाकत आमेज बातों पर हंस हंस कर जुमले कस रहे थे, लेकिन अंदर उन्हें महसूस हो रहा था कि जाहिल हेडमास्टर ने उनकी दुखती रग पर उंगली रख दी है। घड़ी में आकर वो छत पर चढ़ गए और वहाँ उन्होंने दूर मंदिर के खेत में खड़े नीले को महसूस किया और इस बात से मुतमईन हुए कि सर्दियों का ज़माना है, वरना गर्मी होती तो नीला इतनी देर तक खेत की गर्मी की ताब न ला पाता। वहीं खड़े खड़े उन्होंने नीले से पैदा होने वाली दहशत महसूस की, और उस दहशत के साए में कतरा कतरा बढ़ती दौलत और इंच इंच बढ़ते इख्तदार और इख्तियार का लुकमा लुकमा हजम किया। और जब वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे तो एक तरफ उनका जहन कह रहा था कि नीले से छुटकारा हासिल कर लो, और दूसरी तरफ कोई चुपके चुपके कह रहा था कि ये मुमकिन नहीं है।
जब वो आंगन में आकर मूंढे पर बैठे तो चराग जल चुके थे। बाहर से पहरेदार दौड़े हुए आए और इन्हें तिला दी कि नीला अरहर के खेत से रस्सी तोड़ाकर भाग लिया है। उनका कलेजा धक से रह गया। ऐसा ना हो कि वो कस्बे में पहुंच जाए। अब कोई बर्बादी हुई तो बड़ी बदनामी होगी। वो जीप पर बैठकर हवा की रफ्तार से कस्बे की तरफ रवाना हुए। प्रताप रोकता ही रह गया। कस्बे की गलियों में स्ट्रीट लाइट की मध्यम रोशनी थी, लेकिन इंसान नहीं थे। सब अपने अपने घरों में कुंडी लगाए बैठे थे। चौराहों पर पुलिस वाले खड़े सीटियां बजा रहे थे और आवारा कुत्ते खिलाफे मामूल इतनी जल्द बाजार सूना देखकर मनूस आवाज में रोने लगे थे। नीला कस्बे में किसी भी घर के पास खड़ा मिल सकता है, या हो सकता है कस्बे के बाहर खेत या किसी उजड़े हुए बाग में खड़ा हो। हवेली तक जाने वाली सड़क के एक मोड़ पर जैसे ही वो मुड़े, उन्हें एक साया सा नजर आया। खौफ की एक ठंडी लहर उनकी गुद्दी से होती हुई पूरी पीठ पर फैल गई। ये नीले ही का साया होगा, क्योंकि इंसान तो सारे इसके डर से घरों में बंद बैठे हैं। हवेली के सहन में जाकर उन्होंने नीले को हर तरफ तलाश किया। वो कहीं नहीं मिला। बिजली चली गई थी और रात बिल्कुल तारीख थी। वो बैठक में अकेले बैठे सोचते रहे और डरते रहे। रात के 12 बजे के बाद किसी वक्त उनकी आंख लग गई। अचानक पूरे कस्बे में चीखो पुकार की लिपटें उठने लगी। हवेली के नौकरों में भी भगदड़ मच गई। वो जल्दी से उठे और खिड़की से बाहर झांका। अंधेरे में कोई जानवर तेज तेज सांस लेता हुआ भागा चला जा रहा था। वो अंदाजा नहीं कर पाए कि वो किधर गया। अचानक फिर एक जानवर मुखालिफ सिमट से भागता हुआ आया और दौड़ता चला गया। उन्होंने सामने की गली की तरफ निगाह उठाई। वहां भी एक स्याह साया सा खड़ा था। इंसानों का शोर और पुलिस की सीटियों की आवाजें अब भी थमी नहीं थी। उन्होंने गली की तरफ फिर देखा। अब वो साया वहां नहीं था। उस रात एक साथ 12 वारदातें हुईं। कस्बे के कोने वाले महल्ले के एक ही खानदान के 3 घरों के दरवाजे टूटे हुए पाए गए। बजरिया की 5 दुकानों के शटर टेढ़े हो गए थे और अंदर की जिन्स दुकानों में चारों तरफ बिखरी हुई मिली थी। 3 पुलिस वालों पर किसी जानवर ने अंधेरे में हमला किया, जो बड़े नाले की पुलिया पर बैठे उंग रहे थे। म्यूनिसिपल बोर्ड मीटिंग हॉल का दरवाजा तोड़कर 15 कुर्सियां सेंटे के कलम की तरह टुकड़े टुकड़े कर दी गई थी। जो वारदातें कच्ची जमीन पर हुई थीं, वहां जानवर के खुरों के निशान पाए गए थे। म्यूनिसिपल बोर्ड के ऑफिस में जिला कलेक्टर मुतफक्किर बैठा था। ठाकुर उदल सिंह और महमूद साहब उसके दाएं बाएं बैठे थे। कस्बे का दौरा करके एसपी साहब जीप से उतरे। उनके साथ ही कस्बा इंचार्ज कूदा। हॉल में आकर एसपी साहब एक कुर्सी खींचकर कलेक्टर साहब के बराबर बैठ गए। कस्बा इंचार्ज सामने आकर अटेंशन खड़ा हो गया। आराम से, एसपी ने उसकी तरफ देखे बगैर कहा। वो आराम से हो गया। आपने नतीजा देख लिया? कलेक्टर ने खामोशी तोड़ी। नंबरदार चुप बैठे रहे। महमूद साहब ने भी सर झुका लिया। उदल सिंह की बदनामी और बेइज्जती इतनी वाजे थी कि महमूद साहब की मजीद कुमक की जरूरत नहीं थी। मगर ये सारी वारदातें एक ही नीले की कारस्तानी नहीं है, एसपी ने इंकशाफ किया। आपका मतलब है कि कई नीले हैं? कलेक्टर साहब ने पूछा। नहीं, ये यकीन से नहीं कहा जा सकता, लेकिन पुलिस वालों का बयान था कि उन पर जो हमला हुआ उसमें एक से ज्यादा जानवर मुलव्वस थे। एसपी के जुमले से नंबर उदल सिंह के बदन में कुछ जान पड़ी। ये क्या मामला है, कुछ अंदाजा है? कस्बा इंचार्ज से बातचीत के दौरान अंदाजा हुआ कि कुछ रोज पहले कांजी हाउस से नीले ने जिन बिजारों को आजाद कराया था, वो इसके मुलजिम हो सकते हैं। कई दिनों के भूखे प्यासे बिजार रात को अपनी अपनी पनागाहों से निकले होंगे और पानी पीने नाले पर आए होंगे। वहां सिपाही बैठे उंग रहे थे। पानी के हुसूल में मजाहिम समझकर हमला बोल दिया होगा।
क्या नीले और बिजार के खुर के निशान में फर्क महसूस हो सकता है? कलेक्टर साहब ने पूछा। जी हाँ सरकार, कस्बा इंचार्ज बोला, मगर हवा इतनी चली कि उनके खुर आधे हैं, आधे गायब हैं, अब पहचान मुश्किल है। नीले के खुर की पहचान वाली बात सुनकर नंबरदार उदल सिंह ने बाजी पलटती महसूस की। फौरन बोले, और क्योंकि इस बार पहली मर्तबा बोले थे इसलिए बात ध्यान से सुनी गई, बजरिया की दुकानें तोड़कर सामान कौन उठा ले गया? यह हरकत जानवर नहीं कर सकता। यह सुनकर एसपी और थाना इंचार्ज ने सर झुका लिया। थाना इंचार्ज का लंबूतरा चेहरा उसके सीने पर टिक गया और देर तक टिका रहा। कलेक्टर ने मिसूरी की तरबियत के दौरान बड़ी नादिरो नायाब बातें सीखी थी, इसलिए वो चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला, असल मामले से तवज्जा नहीं हटना चाहिए, जब जड़ का इलाज हो जाएगा तो बाकी बातें खुद ब खुद दुरुस्त हो जाएंगी। इस पूरे फितने फसाद की बुनियाद है दरअसल ठाकुर साहब का नीला, जो अब पागल हो चुका है। इस वक्त इसी के बारे में गुफ्तगु करना चाहिए। अब आप बताइए ठाकुर साहब कि आपका फैसला क्या है? जिसमें सबकी भलाई हो, ठाकुर दिल कड़ा करके बोले। अगर वो हाथ आ जाए तो उसका क्या क्या किया जाए? कलेक्टर ने उनकी आंखों में झांक कर पूछा। मेरे हवाले कर दिया जाए, मैं उसे दोबारा जंगल की आदत डाल दूंगा और फिर उसका पागलपन खत्म हो जाएगा। ठाकुर उदल सिंह ने हेडमास्टर वाला सबक याद करने की कोशिश की। आपके हवाले कर दिया जाए ताकि वो फिर आजाद होकर तबाही मचाए, कलेक्टर ने इस्तेहजा के अंदाज में कहा। ठाकुर साहब का दिल धक से रह गया। क्या कलेक्टर को मालूम है कि वो मेरे हाथ आकर निकल चुका है? फिर उन्होंने खुद को तसल्ली दी कि कलेक्टर ने ये बात यूं ही रवादारी में कह दी है। सुनिए जनाब, राया अम्मा का जबरदस्त दबाव है, दीगर कस्बे वालों ने भी शिकायत की है कि नीला उनके यहां भी तबाही मचा रहा है, कल नीला शहर में भी देखा गया है। अब ये मामला मुकामी नहीं रहा, लेकिन नीला क्योंकि आपसे वाबस्ता है, इसका मकाम है वारदात, खास तौर पर यह कस्बा है, इसलिए आप दोनों हजरात कस्बे के मौजिज शहरी की हैसियत से इस कागज पर दस्तखत कीजिए कि नीले की वहशियाना सरगर्मियों की वजह से नीले को मारना मुनासिब होगा। ये दरख्वास्त वाइल्ड लाइफ अफसर के नाम है, मैं इनसे इजाजत नामा पेशगी हासिल कर चुका हूं, ये देखिए। उन्होंने कोट की जेब से सरकारी मोहर वाला एक कागज निकालकर दिखाया। महमूद साहब ने तेजी से और ठाकुर साहब ने मरे मरे हाथों से कलेक्टर के दिए हुए कागज पर दस्तखत किए। महमूद साहब ने शुक्र अदा किया कि कलेक्टर और एसपी किसी ने भी म्यूनिसिपल पोर्ट के ऑफिस की थोड़फोड़ के बारे में किसी राय का इजहार नहीं किया था। ठाकुर उदल सिंह ने दस्तखत करने के बाद सोचा कि यह मरहला खत्म हो तो वो जल्द अज जल्द घड़ी और हवेली की सारी दौलत निकाल कर शहर के उस बैंक में रख देंगे जहां पिछले हफ्ते ही ऐसे लॉकर तकसीम होने शुरू हुए हैं जिन्हें हासिल करने के लिए नाम का इंदराज नहीं करना पड़ता बल्कि कोड नंबर दे दिया जाता है। मगर एक बात समझ में नहीं आई कि जानवर वारदात करके छुप कहां गए हैं? एसपी साहब बोले, मैं कुछ कहूंगा तो कहा जाएगा कि नीले की हिमायत में बोल रहा हूं। आप यकीन कीजिए, मैंने रात को चीख पुकार के बाद अपनी खिड़की से तीन नीले अपनी आंखों से देखे थे। ठाकुर ने रात का मंजर याद किया और झुरझुरी लेकर बोले, क्या वो नीले ही थे? एसपी साहब ने पूछा। नहीं, लेकिन वो जानवर यकीनन थे, ठाकुर ने जवाब दिया। मुमकिन है ठाकुर साहब का नीला जंगल से और वैशी नीलों को लगा लाया हो जो इसके बदन की मोटी चर्बी देखकर लालच में आ गए हों, कलेक्टर ने कहा। मुमकिन है कस्बे के आम जानवरों ने नीले की वहशत की शोहरत का फायदा उठाया हो, एसपी ने अपने ख्याल का इजहार किया, लेकिन ये सब कुछ बहुत खतरनाक और पुरअसरार है, महमूद साहब ने कहा। वो चाहते थे कि गुफ्तगू नीले और दीगर जानवरों ही से मुतालिक रहे, म्यूनिसिपल बोर्ड ऑफिस की तोड़ फोड़ का जिक्र न आ पाए, लेकिन बुनियाद वो नीला ही है।
कलेक्टर ने कहा और दिल ही दिल में सोचा कि दूर दराज की सारी बस्तियों से बर्बादियों की खबरें आ रही हैं। इन सब का सबब तो ये अकेला नीला नहीं हो सकता। तमाम इलाकों में कुल मिलाकर कितने पालतू नीले हैं? वो अगर ख़त्म भी हो जाएं तो इसके साथ के नीले और कांजी हाउस के बिजारों का भी इंतज़ाम करना होगा। एसपी ने उनका ध्यान बटाया। अरे पहले उस एक नीले को काबू में कीजिए कप्तान साहब, कलेक्टर ने फिक्रमंद मुस्कुराहट के साथ कहा, जिसमें कुछ कुछ तंज की चमक भी थी। इस जुमले के बाद सबने अपने अपने सर झुका लिए। खुद कलेक्टर साहब का सर भी उठा हुआ नहीं था। दूर ऑफिस से मुलहक पार्क की सीढ़ियों पर कुछ शोर सा हुआ। घड़ी का पहरेदार हांफता कांपता रोता चिल्लाता भागा चला आ रहा था। ऑफिस में घुसकर उसने नंबरदार के पैर पकड़कर कहा, नंबरदार जी, नीला घड़ी में आ गया है। बड़ी बहू के कमरे पर टक्कर मार रहा है। प्रताप भैया और बच्चे भी कमरे ही में हैं। बाहर से कलेक्टर का बॉडीगार्ड हांफता हुआ अंदर दाखिल हुआ। शहर से वाइल्डलेस मैसेज आया कि वहां वही वारदात हो गई है। कलेक्टर और एसपी शहर रवाना होने से पहले थाना इंचार्ज को नीला मारने का इजाजतनामा और जरूरी हिदायतें दे गए। वो जीप पर चढ़ते चढ़ते वादा कर गए कि आधे घंटे के अंदर अंदर पुलिस की मजीद टुकड़ियां भेज देंगे। ठाकुर साहब के सीने में पंखे चल रहे थे और आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। वो कांपते कदमों से जीप पर चढ़े और चंद ही मिनटों में, लेकिन अपने हिसाब से कई घंटों में देहात पहुंच पाए। घड़ी के सामने छुटकी का झोंपड़ा चुड़िया के घोंसले की तरह उलझा उलझा पड़ा था। गांव के सब लोग दहशतजदा अपने अपने घरों में बंद थे। झोंपड़े के बाहर छुटकी की खूंदी हुई लाश पड़ी थी। बच्चे कमरे में बंद थे। प्रताप और बड़ी बहू घड़ी के दरवाजे की सलाखों से लगे खड़े कांप रहे थे। नीले का दूर दूर नामो निशान नहीं था। वो हमारे दरवाजे पर टक्करें मार मार कर लहू लुहान हो गया था। दरवाजा बहुत मजबूत था, टूटा नहीं। वो घड़ी में चारों तरफ भाग भाग कर किसी को तलाश कर रहा था, शायद आप ही को तलाश कर रहा था। चारों तरफ से उस पर यूरिश है, बस आप ही को अपनी पनाह समझता है, प्रताप ने फूली हुई सांसों के दरमियान बताया। जैसे ही वो घड़ी से निकला, हमने कमरे से निकलकर घड़ी का दरवाजा बंद कर लिया। वो छुटकी के झोपड़े के पास जाकर खड़ा हो गया। बड़ी बहू कुछ कहते कहते रुक गई। फिर उसने डर से कांपते हुए शर्म से आंखें झुकाए हुए बताया, अपने झोपड़े में छुटकी हर महीने कपड़े के चीथड़े उड़स देती थी। जैसे ही वो इस दफा के चीथड़े उड़स कर मुड़ी, नीला पीछे खड़ा था। वो चीख कर झोपड़े में घुस गई और टट्टर बंद कर लिया। नीले ने गर्दन उठाकर वो चीथड़े सूंघे और उन्हें सूंघते ही दो पैरों पर खड़ा होकर दीवानों की तरह जमीन पर लोटे लगाने लगा। बड़ी बहू बयान करते करते थक गई। तब प्रताप ने वाकया बयान करना शुरू किया। फिर वो उठा और पैरों पर खड़े होकर किसी अनदेखे इंसान से लड़ने लगा, जैसे किसी पर काबू पाना चाहता हो। फिर उसने छुटकी की चीखें सुनी। उसने सींगों के एक ही रेले में टट्टर तोड़ दिया और अगली टांगे उठा उठाकर छुटकी को खूंदना शुरू कर दिया। उसने सींगों के एक ही रेले में टट्टर तोड़ दिया और अगली टांगे उठा उठाकर छुटकी को खूंदना शुरू कर दिया। जब वो बेदम होकर गिर पड़ी तो नीले ने छप्पर का तिनका तिनका अलग कर दिया। प्रताप की आंखों में आंसू आ गए थे जो मुसलसल बह रहे थे, मगर बयान के जोर में वो इन्हें पहुंचना भी भूल गया। इंचार्ज ने छुटकी की लाश का पंचनामा कराया और शहर रवाना कर दिया। इंचार्ज ने ठाकुर साहब के पास आकर सरगोशी की, वो आप ही की चाह में है, शायद आपके काबू आ सके। वैसे तो अब उसे मारने का इजाजतनामा भी मेरे पास मौजूद है। खेतों की तरफ से हेडमास्टर दौड़ते हुए आए और बताया कि उन्होंने अभी अभी नीले को मंदिर वाले खेत में घुसते देखा है। पुलिस की कई जीपें रुकी, शहर से कुमुक आ गई थी। ठाकुर उदल सिंह ने सोचा, इस बीच नीले को अपनी गिजा कहीं नहीं मिली होगी, इसलिए वो मंदिर वाले अरहर के खेत में चला गया है।
वहां अब भी अनाज, गुड़ और बादाम रखे होंगे और नांद में पानी भी भरा होगा और वहां कोई आदमी भी नहीं होगा। थाना इंचार्ज ने गालियां दे देकर गांव के मर्द घरों से बाहर निकाले। सब इस बात पर राजी हो पाए कि अरहर के खेत तक ठाकुर उदल सिंह भी जाएंगे। क्या मैं उसे मरते हुए देख सकूंगा? ठाकुर उदल सिंह ने अपने आप से पूछा। उनके दिल ने जवाब दिया कि शहर में नए तरीके के लॉकर आ गए हैं। उन्होंने खेत पर जाने की हामी भर ली। थाना इंचार्ज ने सिपाहियों को गांव के चारों तरफ बंदूकें लेकर खड़ा कर दिया और मुख्तलिफ हिदायतें देकर सबके मोर्चे दुरुस्त कराए। लाठी, डंडा, सांठा, जो जिसके हाथ आया लेकर अरहर के खेत की तरफ चला। तुम दोनों बच्चों को लेकर अपने कमरे में बंद हो जाओ, मगर घड़ी का दरवाजा खुला रखना, शायद वो भागकर इधर ही आएगा। अगर वो घड़ी में आया तो मैं दरवाजा बंद करके उसे राम कर लूंगा। ठाकुर साहब ने प्रताप और बड़ी बहू को हिदायत की। हांका होने के बाद अरहर के खेत से निकलते ही थूतनी और सर पर लाठियां और डंडे लगातार पड़े। सियाह बदन पर जगह जगह खून उबल रहा था। वो भागा, उसकी आंख भी जख्मी हो गई थी, इसलिए वो टेढ़ा टेढ़ा भाग रहा था। ठाकुर उदल सिंह उसे गांव की तरफ भागता देखकर पोखर वाले रास्ते से तेजी के साथ घड़ी की तरफ बढ़े। लाठियां लिए हुजूम लंबे वाले रास्ते से उसके पीछे भाग रहा था। नीले ने चेहरे से बहते हुए खून की चादर के पीछे से कुछ अजनबी शक्लें गांव की सरहद पर देखी। उसने कावा काटा और घड़ी के पीछे वाले रास्ते यानी टूटी हुई दीवार से दाखिल होकर वो घड़ी के सहन में आ गया। प्रताप और बड़ी बहू बच्चों को कमरे के अंदर करके खुद बाहर खड़े थे। उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो टूटी हुई दीवार के रास्ते से आ जाएगा। दोनों बिजली की सी तेजी से कमरे की तरफ भागे, जिसके दरवाजे में बच्चे खड़े दीवानों की तरह चीख रहे थे। बड़ी बहू का पैर साड़ी में अटका और वह लड़खड़ा गई। पीछे आता हुआ प्रताप उसे टकराया और रुक गया। बहू कमरे के अंदर दाखिल हो चुकी थी और प्रताप नीले के सींगों से उलझा हुआ था। बड़ी बहू इस्तरारी तौर पर कमरे से बाहर आई तो बच्चे भी मां से लिपटकर बाहर आ गए। वो घूमकर बच्चों को पकड़कर कमरे में भागी। मुड़ी तो देखा कि नीला अपनी पिछली टांगों पर खड़ा हुआ अगले खुरों से प्रताप का सर पाश पाश कर चुका है। जब धूल कुछ कम हुई तो बड़ी बहू ने हैरान हैरान खाली खाली आंखों से देखा कि प्रताप जमीन पर पुराने लिहाफ की तरह उधड़ा पड़ा है और नीला खून की धारियों के पीछे से अपनी आंखें पटपट खोल रहा है, बंद कर रहा है और प्रताप की लाश के चारों तरफ से टकराता, उलझता, लड़कड़ाता हुआ चक्कर लगा रहा है। और घड़ी के दरवाजे से नंबरदार उदल सिंह दीवानों की तरह चीखते चिल्लाते दाखिल हो रहे हैं। उसे बहुत धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा था। एक आंख शायद बिल्कुल खत्म हो गई थी और दूसरी सर से बहने वाले खून से लिथड़ी हुई थी। नीले ने खून से लिथड़ी आंखें पटपटाईं और इतनी जोर से सांस भरी कि इस हिस्से की मिट्टी उड़ने लगी। उसने गर्दन झटकी, दुम को गर्दिश दी और सींग आगे करके पूरी ताकत से उदल सिंह से टकराकर उसे दीवार तक रौंदता चला गया। जब दीवार से उदल सिंह का सर टकरा गया तो सींग घोंप घोंप कर उसकी आंतें निकालकर अपने खुरों से खोंदता रहा और फिर वहां किसी को न पाकर टूटी हुई दीवार का रास्ता याद के सहारे तलाश करता हुआ घड़ी से निकल गया। बड़ी बहू अपने बच्चों को लेकर चुपचाप कमरे से निकली। उसने प्रताप और बाबूजी की लाशों के दरमियान खड़े होकर बच्चों को मजबूती से पकड़ा और आसमान की तरफ देखा। पुलिस की टुकड़ियां और गांव का मजमा घड़ी के दरवाजे पर इकट्ठा हो गया था। उन्हें इल्म नहीं था कि अंदर क्या हुआ। उन्हें यह भी इल्म नहीं था कि नीला पीछे वाले रास्ते से निकलकर तालाब पार करता हुआ खून की चिपचिपाहट से बंद होती आंखें धोता हुआ जख्मी हालत में किधर भागा है। फिर सबको इस बात की खबर हुई कि जख्मी, अंधा और पागल नीला गायब हो गया है। थानेदार ने थके थके हाथों से राइफल खाली की
और सोचा क्योंकि वो जख्मी है इसलिए कहीं भी मर सकता है। घड़ी के कच्चे सहन पे नंगे पांव खड़ी बड़ी बहू ने दोनों बच्चों के हाथ मजबूती से थामे, आंखें बंद किए दिल कड़ा करके सोचा क्योंकि वो अंधा है इसलिए अब किसी को भी नहीं पहचान सकता। बूढ़े हेडमास्टर ने दोनों हाथों से अपनी आंखें छुपाई और सोचा कि वो पागल है इसलिए कभी भी हमला कर सकता है, और क्योंकि वो गायब है इसलिए कोई भी गली पार करते हुए, किसी भी खेत की तरफ जाते हुए और किसी भी रास्ते पे चलते हुए अचानक बिल्कुल सामने बिल्कुल करीब खड़ा नजर आ सकता है। सींग आगे किए, सर नहवाड़े और अगले खुर फजा में बुलंद किए, लेकिन किसी को भी ये सोचने की सकत नहीं थी कि नीला गांव ही में है या गांव के पास किसी खेत में छुपा हुआ है या गांव की सरहद से दूर कस्बे तक पहुंच गया है या कस्बे से भी आगे खून के छींटे उड़ाता शहर की तरफ भाग रहा है या इससे भी आगे।